अस्सलाम वालेकुम। आज जुमे का दिन है जी, आपको ज़रा दिखाते हैं कि चाइना की जो मुसलमानों की मस्जिद हैं उसमें मामला कैसे होते हैं। जुड़े रहिए इंशाल्लाह। आज मेरे साथ माजिद भी जा रहा है, अल्लाह ताला इसको जजा दे। वालेकुम अस्सलाम। आज माशाल्लाह एक से ज़्यादा लोग हैं जी, भाईजान जो हैं वो दूसरे सिटी से आए हैं, शम्स के भाई हैं। परसों तरसों हमने इनकी बहुत बुराइयां की रात को बैठ के, माशाल्लाह अल्लाह इनको जजा दे, खुश रखे। और सिचुआन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, और हमें हैरत ये हो रही थी कि भाई वहाँ तो स्कॉलरशिप ही नहीं है, इन्होंने गुजारा कैसे किया होगा। अल्लाह अकबर, आप ज़बरदस्त आदमी है जी। अच्छा भाईजान, आपका जो है वो बैच कौन सा जी? मैं 18 से 21 तक कर लो गल। अच्छा जी, इसका आप शम्स के बड़े भाई हैं। हाँ जी। मेरा बच्चा 2 साल। बहुत ऊंची बिल्डिंग भी यहाँ पर अवेलेबल है, और अक्सर और उन्होंने 3 साल में PhD की है। तेरे पास 3 साल मास्टर्स के लिए है, तो मेरा बेटा ये देख, इससे ऊंची बिल्डिंग मैं जानता हूँ, मैं खुलवा भी सकता हूँ। सब लोग साइकिल खोल रहे हैं और मुझे तो जनाब खुली खुलाई साइकिल मिल गई है, और ये अब हम साइकिल के ऊपर जो है वो विराजमान हो जाएंगे। भी कभी कभी हो जाता है जी, साइकिल जो है वो चीनों की आबादी इतनी है कि ये सारी साइकिलें यूटिलाइज करने लग जाते हैं। अब माजिद साहब ने हमारे साथ जाना है इंशाल्लाह, तो साइकिल नहीं मिल रही उन्हें। चलो जी, फाइनली माजिद के लिए भी बाइक मिल गई हमें। ले जी, हम रवा दवा हैं, माजिद साहब सबसे पीछे, हम साइकिल पे हैं। अभी हम शीपू स्टेशन जाएंगे जी, और इंशाल्लाह फिर वहाँ से हम सबवे पकड़ेंगे और आगे जिंखा नॉर्थ, ये हमारा टारगेट है मस्जिद में। इंशाल्लाह हम जुमे के लिए पहुँच जाएंगे जी। सिग्नल खुल गया और अब हम शीपू स्टेशन की तरफ रवा दवा हैं जी। हम जो है वो शीपू स्टेशन के पास आ गए। आ जाएं जी, आ जाएं, आ जाएं, हमारा टाइम हो गया। हरी आप, हरी आप। तो हर जगह बस अड्डों पे, स्टेशन पे होता है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही माहौल है। आपको रेडियो वाले ज़रूर मिलेंगे, ढाबों वाले। टी पॉइंट से हम गुजरने वाले हैं जी, सामने आंटी भी है, और मैं तो जी अपना कार्ड स्वैप करूँगा। हम एलिवेटर में भी हैं और हम उस पर वॉक भी कर सकते हैं। चलो जी, हम सबवे स्टेशन पे पहुंच गए जी, और ट्रेन भी जो है वो इधर को चल पड़ी है। लाइन 2। चलो जी, हम अभी लाइन 2 ऑरेंज लाइन ट्रेन है जी, उसमें एंटर हो गए। हमने कहा भी कि भाई परेशान नहीं हो, कोई मसला नहीं है, तो जो है ना सफ़र की दुआ पढ़ ले, फिर उससे मुस्कुराना स्टार्ट कर दिया। ले जी, जिस स्टॉप पे हमने आना है जी, उस पर हम गए पहुँच, और यहाँ से अब हम जो है वो मस्जिद के लिए रवाना होंगे। डॉक्टर साहब ने अभी से बिस्मिल्लाह पढ़नी शुरू कर दिया। गोइंग टूवर्ड्स मॉस्क। ये भी हम सबवे से बाहर जाएंगे, डी एग्जिट, और ये उसकी एक टनल है जी। और जब जमात खड़ी है तो हम पहुंचे हैं, चलें। लेकिन ये है कि फिर भी जमात में शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जुमे की नमाज एंड की, अब जो है सारे जो हैं चाइनीज अब वो जा रहे हैं जी। उसके बाद हर दफ़ा ना जी हमारी ये एक एक्टिविटी होती है इन भाईजान के साथ। ये बेसिकली संख्यांग के मुसलमान हैं, और संख्यांग वाले मुस्लिम जो हैं वो मुख्तलिफ कारोबार हैं इनके पास यहाँ पर, ना कोई रेडी चला रहा है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है। तो जनाब हमने ड्राई फ्रूट ख़रीदने होते हैं हर दफ़ा इन भाईजान से, तो अभी हम ले रहे हैं जी, देखते हैं। लें आपका जैसे दिल करे, ट्राई करनी है ट्राई करें, पाकिस्तानियों वाली जो हमारी आदत है। चाइनीज़ स्टाइल में बनाई गई मस्जिद है, 1798-95 इस दौर की ये बनी है, और इस वीडियो में आपको मैं इसकी एक पिक्चर दूँगा, उसके ऊपर इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। नॉर्मली मस्जिद के बाहर आपको मुस्लिम रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और इस तरह की रेडियो वाली मिलेंगे। ये संख्यांग का मुसलमान है, उसकी तरफ से ये रेडी यहाँ पर लगाई जाती है,
और यहाँ पर मुस्लिम घराने की खवातीन आती हैं, ये लोग अपना चिकन और इस तरह की चीज़ें जो है वो सेल आउट करते हैं, और ये लोग खरगोश भी सेल करते हैं, बिस्किट्स और बेकरी आइटम्स हैं वो भी यहाँ पर सेल होते हैं।